खुशी खुशी कोई आविष्कार नहीं है या एक खोज है जिस दिन आपने इसकी खोज कर ली अवश्य ही आप कुछ नया अविष्कार करेंगे नमस्कार दर्शकों डी डी के विशेष कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है क्या मैं इधर उधर घूम सकता हूँ क्या मैं अपने मित्रों को गले लगा सकता हूँ क्या मैं पार्टी शार्टी कर सकता हूँ ऐसे कई सारे सवाल और यदि ऐसे कुछ सवाल आपके पास हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं सवाल आपके जवाब हमारे विशेषज्ञ का आज का हमारा विषय रहेगा प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड 19 इन अंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स। विषय पर विचार विमर्श करने हेतु हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर अभिजीत रॉय नोडल ऑफिसर कोविड 19 एंड डीडी हेल्थ डीएचएस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर धन्यवाद जी Uh, जिस प्रकार इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़ा से महा जो माहौल है थोड़ा से ठंडा दिख रहा है सेकेंड वेव हमने सुना और इस वक्त थोड़ा से धीमा चल रहा है थर्ड वेव आने का है ये भी हम सुन रहे हैं तो किस प्रकार हम समझे इस चीज़ को कि क्या सेकेंड वेव खत्म हो चुका है या थर्ड वेव आ चुका है या फिर थर्ड वेव आने को है सेकेंड uh, वेव हमारा कतई खत्म नहीं हुआ अभी तक जी अगर हम आंकड़े को देखें और जो फ्लो को देखें mm -hmm. स्टैटिस्टिक्स को तो अभी तक सेकेंड वेव खत्म नहीं हुआ है और यही कारण है कि हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ रहा रैसे स्कूल कॉलेज हमने बंद रखे हैं टूरिज्म एक्टिविटीज स्टिल बंद रखी है mm -hmm. लेकिन कहीं ना कहीं ये अंत स्थिति पे जो एकदम एंड स्टेज पे आ चुका है जहाँ तक थर्ड स्टेज का सवाल है वो करीब आ, इंडिया में करीब सितंबर में टच कर सकता है mm -hmm. सितंबर मिड में okay. और करीब चार हफ्ते बाद एक महीने बाद अंडमान निकोबार में टच हो सकता है दैट इज़ समवेयर इन अक्टूबर अक्टूबर लेकिन स्टैटिस्टिस का खेल है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 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 यह चीज़ जी जी तो माना ये जा रहा कि तो स्थिति थोड़ा से बिगड़ सकती है आपके मिड अक्टूबर में जी। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा ये हमारा लाइव कार्यक्रम है तो यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा जो फोन नंबर है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है तो कोई भी सवाल क्योंकि इस वक्त ये बहुत अहम बनता है कि हम सवाल पूछे ताकि हमें जवाब मिले जिससे हम अपने आप को जागरूक रख सकें तो कृपया हमें कॉल करें और सवाल पूछें अगला सवाल सर की कि, किस प्रकार का तैयारी चल रहा है क्योंकि जब हम देखते थे फर्स्ट वेव थोड़ा सा एक माइल्ड था सेकेंड वेव थोड़ा भारी पड़ा हम पर थर्ड वेव ये भी जान हम ये सोच भी सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा भारी पड़ सकता है तो किस प्रकार तैयारी है क्या हम तैयार हैं थर्ड वेव अगर आता है और अगर पेशेंट ज्यादा होते हैं आर वी रेडी फॉर दैट इसको इस तरीके से बताऊंगा पहले जो सबने पूछा अपने सवाल में कुछ एक शब्द भारी पड़ा जी पहला पहला इसलिए भारी पड़ा था कि किसी को कुछ मालूम नहीं था जी एक लोड पहले में ज्यादा था दूसरा में हमारे पास केसेस लोड कम थे डेथ डेथ ज्यादा ज्यादा था था ओके केस लोड काफी कम था हमारे पास जी और सिम्टोमेटिक केसेस भी कम थे जो यू कह सकते जिसका टेस्ट हुआ नहीं या नेगेटिव पाया गया है और कुछ लोग जो टेस्ट पॉजिटिव आया था दोनों मिला के देखा जाए रहा आंकड़ा पहले से कम था आंकड़ा लेकिन डेथ ज्यादा था इसका मतलब है कि इसका जो प्रकोप है वो ज्यादा दिखती था हमें दूसरा इश्यूज़ क्या है उसमें जो यंगर एज ग्रुप होता है पहले हम देखेंगे 45 प्लस के एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट हुआ था फर्स्ट वेव में जी, जी। सेकंड वेव में हमें इवन एक डेथ ऐसा भी जो 26 इयर्स की है ओके okay. उसका भी डेथ हुआ हमारे पास ओके okay. तो यंगर एज ग्रुप में डेथ okay. और कॉम्प्लिकेशन बड़ी है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन सेकेंड वेव में ज्यादा बड़ा है जो फर्स्ट वेव okay. में इतना नहीं था ये चीज होती है तो इसी सिलसिले में अगर हम आगे हम देखेंगे उसको लॉजिकली देखेंगे या हाइपोथ्रिकली देखेंगे हम तो आपको पता चलेगा कि जो यंगर एज ग्रुप है जो बिलो एटीन है बिलो ट्वेंटी है थर्ड में उनका इफेक्ट होना ज्यादा चांसेस है ओके, ओके एक एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है नहीं। नहीं। आ, इस इसलिए खतरा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे पास के लिए वैक्सीनेशन नहीं है छोटे बच्चों को हम प्लस के के नीचे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दे रहे आज तक भी नहीं दे रहे जी। कुछ ट्रायल चल रहा है शायद अगले महीने सेप्टेम्बर तक उसका ट्रायल रिपोर्ट बाहर आ जाए तो कुछ हो सकता है तो एक खतरा बनी हुई होती है तो ये थर्ड वे फर्स्ट वे सेकंड वे थर्ड में ये डिफरेंस हमारे पास बीच में हो सकता है थर्ड okay. में खतरा अगेन मैं बताऊंगा उतना खतरा नहीं होगा mm -hmm. लेकिन जो लोग इफेक्ट होंगे उनको तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगा okay. मैं चीजों को इस तरह समझाना चाहूंगा कि नंबर ऑफ केसेस में भी लेस नंबर ऑफ लेकिन जो इन्फेक्ट होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है mm -hmm. ओके okay. uh, जैसे हमने कहा कि 18 के नीचे वी डोंट हैव वैक्सीन हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो किस प्रकार ये जो 18 से नीचे जो बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार देखभाल अपने आप को करना चाहिए और किस प्रकार माता पिता उनकी देखभाल करना चाहिए क्योंकि अगर ये इफेक्ट होते हैं सो so थोड़ा सा ये एक चिंता का विषय बन सकता है तो किस प्रकार व्यक्ति देखिए जो फर्स्ट एम एंड सेकेंड में आपने जो भी काम किए हैं जो भी आपके घर उसके जो होम रेमेडीज आपने यूज़ किए हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स अगर आपने जो यूज़ किए हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं जैसे मास्क पहनना सामाजिक दूरी बनाए रखना जी हाथ को बार बार धोना से फेस को भी धोना अगर नहीं मिला तो कम से कम सेनेटाइज करना है तो ये सर आपको चालू रखना है और सबसे बड़ी बात है घर पर ही रहे घर पर ही रहे ये चीज होगा क्योंकि आप एक घर पर रहोगे तो आप करीब आठ से दस लोगों को नहीं फैलाओगे जी तो एक ये आपको करना पड़ेगा दूसरा कोई हमारे पास फिलहाल तो कोई आपको चारा दिख नहीं रहा है दूसरा एक ऑप्शन ये है कि ऐसा नहीं कि सारे केसेस थर्ड वेव में आपको सिर्फ एटीन प्लस के नीचे एटीन के नीचे बच्चों को होगा उससे ऊपर के लोगों को हो सकता है उत्ता भी होगा भी ऐसा हंड्रेड होगा तो उसमें क्या है कि हम उसके लिए एक ही कर सकते हैं कि पूरे जो कम्युनिटी है उसे मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर दे ओके मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर दे वैक्सीनेशन के लिए हमने अभी करीब 41 परसेंट से ज्यादा लोगों को अंडमान कौर में वैक्सीनेशन कर चुके हैं okay. अंडमान कौर में हमारा टारगेट है कि सितंबर तक हम इसे 60 परसेंट ऊपर ले जाए uh -huh. अगर 80 परसेंट से ऊपर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक क्रमंडस जो इफेक्ट होगा जो होगा ना एक बहुत ज्यादा रिडक्शन इन केसेस आएगा तो एक इम्पैक्ट हमारे पास होगा इससे हम चाहते हैं कि केसेस का जो जो वैक्सीनेशन जो कवरेज है उसे बढ़ा दें टारगेट रहेगा इसी सिलसिले में हमने प्राइवेट को भी हमने इन्वॉल्व किया है चार एप्लीकेशन हमारे पास आए थे एक एक ने ने थरों कर दिया है दूसरे एप्लीकेशन अभी तक उनका तरफ से अभी तक खाना में चल रहा, जी, रहा, जी, रहा जी, था मैं चाहूंगा कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अंडमान अंडमानिकमर में है वो अपने अप्लीकेशन भेजे जी अगर वो हमको लगता है कि उनका सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उनको परमिशन दे देंगे वैक्सीनेशन परचेस करके कंपनी से अंडमान कुमार में लगा दें तो उससे क्या गवर्नमेंट को एक सप्लीमेंट हो जाएगा जी 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 सप्लीमेंट हो जाएगा ओके okay. uh, जैसे हमने वैक्सीनेशन की बात की uh, हम कैसे देख सकते मतलब uh, जैसे लोग आते हैं पहले एक था कि हेजिटेशन था कि वैक्सीन लेना या नहीं लेना अब क्या लोग आगे बढ़ के आते हैं कि वैक्सीन लेते हैं तो कैसे डिफरेंस हम इसको देखें कि किस प्रकार तो और अब किस प्रकार है और मतलब स्टार्टिंग से आपने इस चीज़ को देखा है और जब से वैक्सीन आए तो लोगों के बीच में जो ये थोड़ा सा डाउट था मिथ था ये था वो था इन सबको अगर हम एक साथ जोल्ट करके देखें तो किस प्रकार इस वक्त वैक्सीनेशन को लेते हुए लोगों के मन में किस तरह का विचार चल रहा है देखिए वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन जो एक्सेप्टेबिलिटी है काफी ज्यादा है ओके okay. और हम वो तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे mm -hmm. प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जितने वैक्सीन आ रहे हैं उसको दो तीन भागों में भागना भाग करना पड़ता है जैसे कि एटीन प्लस के जो लोग हैं उनके लिए अलग जो 45 प्लस के लोग हैं उनको फर्स्ट एंड सेकंड डोज के लिए ऑलरेडी अभी 13 okay. अगस्त से हमको फिर सेकंड डोज ऑफ फर्स्ट जो 18 प्लस के जो लोग हैं उनको 13 अगस्त से हमारा दूसरा या उससे पहले ही सेकंड डोज शुरू हो जाएगा तो गवर्नमेंट से जो सप्लाई आ रही है लिमिटेड आ रही है इसकी वजह से हम उसको बहुत फास्ट लेके नहीं जा पा रहे हम okay. अगर तीन लाख साठ हजार की जरूरत थी सिर्फ हमें कुछ पचास से साठ हजार अब तक मिल पाई है तो काफी स्लो चल रहा है हो सकता है कि इस महीने के अंदर निकोबार को कम्प्लीट कर लो ओके okay. कार निकोबार निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम कम्प्लीट कर लेने एक मुहिम छेड़ी है mm -hmm. हबलोक हमने कम्प्लीट कर दिए हबलो को हम कम्प्लीट कर दिया, okay. कर दिया था। जी जी हम नील आइलैंड वाराटांग लॉन्ग आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड आईलैंड जी उनको हम साउथ अंदमान में लेना चाहते थे कि इनको भी कवर करके मतलब कंप्लीट कर देखिए एटीन प्लस प्लस फोर्टी फाइव प्लस निकोबर खैर हो जाएगा साउथ अंदमान या नॉर्थ अंदमान पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है यहाँ पर तो उसकी वजह से हमें वैक्सीन जब तक नहीं मिला कुछ नहीं कर पा रहे जी क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस वक्त जैसे कि आप ट्वीट करते हैं तो कई सारे लोग जो हैं वो स्लॉट बुकिंग के लिए रहता है पर जी, वो हो नहीं पाता है तो हम देख सकते हैं किस प्रकार लोग जागरूक हैं वैक्सीन को लेते हुए बहुत ज्यादा है एक पांच मिनट के अंदर अठारह स्लॉट ब्लॉक हो जाती है अठारह स्लॉट पांच मिनट के अंदर ब्लॉक हो जाती है ओके तो हम कितना दे सकते हैं बताइए इसका आगे नहीं कर सकते वैक्सीन शॉर्टेज हमको उनको प्रोग्राम भी रन करना पड़ेगा एक दिन में देखिए खत्म नहीं कर सकते तो ऑल दिस फैक्टर्स आर देयर जी अगला सवाल मैं समझता हूँ कि जब ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था उससे पहले कई लोगों के विचार थे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं ये वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडी का एक जो होता है एक कि लेना है या नहीं लेना है बिकॉज प्रेगनेंसी का टाइम है बहुत ही एक वाइटल एक मोमेंट होता है उनके लिए अपनी ज़िंदगी का सो so, अगर लेना है तो कब लें प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के बाद या उससे पहले जब वो अपने सेकेंड या थर्ड मंथ में रहते हैं इसको अगर हम थोड़ा सा समझा अगर आप समझा पाए लोगों को वो एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन लेना है देखिए प्रेगनेंसी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी या प्रीशियस प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ अलग से मैं डील करूँगा ओके जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उनको 100 परसेंट लेना चाहिए वैक्सीनेशन वैक्नेशन okay. आपको अगर शक है कुछ डाउट है यूजली ये बहुत सेफ़ होता है वैक्सीन जितना रिसर्च में पाया गया सेफ वैक्सीन है कुछ लोगों में कुछ कुछ महिलाओं में कुछ इश्यूज़ पाए गए थे बहुत ही कम लोगों में पाया गया था साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट जिसको कहते हैं लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है इसकी वजह से आप इसको ले सकते हो तब भी आपका डाउट अगर होता है कि छोटे बच्चे है बच्चा पेट में है उसके जेनेटिक में कुछ इश्यूज ना हो जाए जो होना नहीं है इसको। जो होना 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 नहीं 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 है है इसको चाहिए क्योंकि जो जैसे कोविशील्ड वैक्सीन हुआ कोविशील्ड वैक्सीन एक वैक्टर व्हीकल वैक्टर वैक्सीन है okay. जहाँ पे हमने कोविड वैक्सीन के जो वायरस जिन्हे जीन्स को हमने एडेनो के ऊपर लेप दिया है उसके ऊपर हमने कोटिंग करा दी है एक लाइव वैक्सीन है लेकिन जो वायरस कैरी कर रहे हैं उसको नहीं। वो एडोनो वायरस है okay. जो उतना इफेक्ट नहीं कर सकता सेफ है, है।, है।, तो है।, okay. है, है okay. उसका भी ले सकती okay. है आपको पहला तीन महीना आप अवॉइड कीजिए ओके अगर मन में शक होता है ना कि नहीं क्या करे तो पहला तीन महीना अवॉइड कीजिए तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इस वैक्सीन को सेफली आप ले सकते हो जहां तक प्रीशियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लीकेटेड प्रेग्नेंसी जहां है

बताइए जी जी सर मैं ये जानना चाह रही थी सर अभी प्रेग्नेंट लेडीज लोग को टीका लगना शुरू हो गया है हाँ जी तो सर जैसे कि तो बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है तो टीका लेने से पहले सर कैसी बातों का ध्यान हमें रखना है और सर टीका जब लग जाता है तो हम हमने भी जब लगाया तो हमें थोड़ा सा फीवर सिर घूमने की शिकायत थी हाँ तो अगर ऐसी शिकायतें प्रेग्नेंट लेडीज को होती है तो वो ऐसे समय में क्या करें आ, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आ, जो प्रेग्नेंट लेडी है जब वो वैक्सीन लगाते हो अपने मर्जी से लगाएं किसी के बहकावे भी कैसे कहने फोर्सफुली ना लगाएं कि कोविड वैक्सीन कोविड का बीमारी है कुछ न तो कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके अंदर देता है ये पहला चीज़ होती है जहाँ तक सिर घूमने का चक्कर आने का और बुखार रहने का सवाल है वो नॉर्मल जो आदमी है व्यक्ति है उसके अंदर भी हो सकता है तो प्रेगनेंट लेडी में होना लाजमी है वो उसके लिए करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको जब भी आप वैक्सीनेशन लोगे पहला तीन महीना अगर अवॉइड करोगे तो अच्छी बात है सेकेंड ट्राइमेस्टर आप लीजिएगा और घर पर पैरासिटामॉल की गोली जो है उसे रखना है याद रखिएगा आप प्रेगनेंसी में और कोविड वैक्सीन के बाद या कोविड जब आपको होगा किसी भी तरीके का पेन किलर आप नहीं लोगे एक्सेप्ट पैरासीटामॉल अगर आपको लगता है कि बदन में भी दर्द हो रहा है बुखार भी है तो पैरासिटाम की डेढ़ गोली ले लीजिएगा या डोलो सिक्स आप लीजिएगा दिन में दो या तीन बार ले लिया आप तो उससे आपका बॉडी एक और फीवर दोनों कम हो जाएगा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जहाँ तक चक्कर का सवाल है वो टेम्पररी है जस्ट फाइव मिनट्स टेन मिनट्स के लिए आता है फिर आप अपने आप चला जाता है तो नॉर्मल जो भी आपका होम रेमिडीज़ है के लिए वो आप चालू रख सकते हो चाहे गर्म पानी पीना या फिर गर्म दूध पीना या फिर थोड़ा तो लेट जाना इस टाइप का जो चीज़ आप कर सकते हो और कुछ इश्यू नहीं होगा जो माताएं प्रेगनेंसी है और उसको डायबिटीज़ है खासकर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है बहुत साल के लिए उनको डायबिटीज़ है हम प्रेगनेंट हुई हैं उनको तो चिंता करने की बात है कि उनके अंदर एक आ, एक तरह का बोल सकते हो कि आ, आ, जो आ, आ, इचिंग इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है खुजली जिसको बोलते हैं इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है तो वो कम से कम दो हफ्ता तक रहेगा आपको टू वीक्स उस दौरान आप डॉक्टर से बात करके एविलिया एवीलियान की गोली अगर अप्लीकेबल है या एलेग्रा की जो गोली होती है वो आप ले सकते हो डॉक्टर को दिखा के और उससे आपको दो हफ्ते में रिलीव मिल जाएगा जी हेमलता जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैसे मैंने वो सवाल रखा कि डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी कितने समय के बाद ले सकते हैं अब दो आते वीट्स। वीट्स। आते ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं ओके okay. जी अगला सवाल रहेगा सर कि एक दर्शक जुड़े हैं उनसे हम पहले बात कर लेते हैं हेलो हेलो uh, जी नमस्कार आपका नाम हेलो uh, सर मैं से बोल रही हूँ जी आपका नाम विजया है विजया जी सवाल पूछिएगा विजय जी टीवी का वॉल्यूम कर दीजिएगा सवाल पूछिएगा अच्छा सर वही इंजेक्शन जो है ना सर कोविड का जी तो वो लेने में मतलब मिल नहीं रहा है स्लॉट नहीं मिल रहा है सर बुकिंग नहीं हो पा रहा है इंजेक्शन के लिए जी विजय जी, बहुत मुश्किल हो रहा है सर ये जो ऐसे तो ही जैसा हम लोग हॉस्पिटल में जैसे पहले लगाते थे ना जाके रजिस्ट्रेशन करा के उसी वक्त लगाने का ऐसा कुछ आप ऑप्शन रखिए सर मैडम हमें खुशी होगी कि आपको वैक्सीन प्रायोरिटी में हम दिला दें लेकिन हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई कमी होने के कारण हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य तो आपको एवरी सैटरडे करीब 9:30 को हम करीब अठारह सौ डोजेस का हम लोग एक स्लॉट देते हैं पहले कहा कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखना है और जैसी नाइन होगा आपको स्लॉट बुकिंग के लिए अपना जो भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल से आपको

उनको हम डायरेक्टली हम दे सकते हैं और को जी विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए ये तो इन्फॉर्मेशन था शायद बहुत लोग नहीं जानते थे कि आपने कि लोगों के लिए और जो मतलब लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज ये डायरेक्टली बिना स्लॉट रजिस्टर कर सकते हैं ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि उससे क्या होता है इस्तेमाल हो सकता है मतलब फोन आ जाता है या फिर किसी को इंक्वायरी में आ जाता है कि वैसे वैसा इश्यू ले कर देंगे ओके okay. उनके लिए वेट नहीं करते कब उनका डिलीवरी होगा क्या होगा कितने बार आएंगे तो ऐसे लोग आ जाते तो हम मना नहीं करते हैं मना okay. नहीं करते है। लेकिन उससे कोटा निर्धारित है करीब दिन में दस या पंद्रह से तक हम दे नहीं पाएंगे ओके okay. तो उनके लिए फिर उनको वेट करना पड़ेगा ऐसा हो जाता है इसी वजह से हम उसको पब्लिसाइज नहीं कर पा रहे लेकिन कोई भी प्रेगनेंट वर्ग आ जाती है तो आज नहीं तो कल उनको हम बुला देते हैं ओके जी अगला सवाल वैक्सीन को लेते हुए कि वैक्सीन आया तो जो हमने सुना कि कोवैक्सिन कोविशील्ड अब हम और नए वैरायटीज को सुन रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मतलब क्या डिफरेंस है इसमें कि क्यों इसे ले और क्यों इसे ना ले क्या इसे लेना सही रहेगा क्या इसे लेना गलत रहेगा किस प्रकार हम इस वैरायटी को देख सकते हैं देखिए वैक्सीन के जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन सिद्धांतिक जो होता है उसका जो सेम होता है ओके पैसिव इम्यूनिटी देता है एक है कि लाइव वैक्सीन जी, जी. तो उसमें भी मैंने बताया कि जैसे कोविशील्ड हो गया वो लाइव वैक्सीन है लेकिन उसका जो कैरियर वायरस है नहीं। तो सारे वैक्सीन मोड ऑफ एक्शन सेम है कुछ कम्युनिटी में कुछ वायरस कुछ वैक्सीन जो है थोड़ा सा अच्छा अच्छा उसका रिपोर्ट आता है कुछ जगह पे कम आता है मोटा-मोटी देखा जाता है कोविशील्ड का 74.2% का एफिकेसी दिखाया गया है जी तो वैक्सीन का कुछ स्टडीज में 92% भी दिखाया गया है okay. ओके सेम टाइम कोविशील्ड का भी कुछ स्टडी में 92% दिखाया गया है अलग जगह जगह ओके ये फाइजर को कहीं ज्यादा दिखाया जा रहा है इट कमिटेड कमिटेड डिपेंड करता है हुँ. अगर आप

अपार्ट फ्रॉम कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड क्या हम अंदमान में कुछ और जैसे आपने बाकी जो नाम कहे क्या उसका एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि केवल ये भारतीय मतलब जो मेन लैंड है वहाँ पर केवल ये दिया जाएगा uh, देखिए कोवैक्सिन का जो इश्यूज था उसमें के पूरी तरीके से सर्टिफिकेशन हुआ नहीं था लॉन्च किया गया था उसकी वजह से Uh, बहुत सारे स्टेट में ट्वेंटी परसेंट सप्लाई उन्होंने कोवैक्सिन की रखी थी वो झीलें बढ़ा रहे अभी जैसे थर्ड फेज हो चुके हैं बढ़ा रहे हैं अंडमान रिकवर को ओनली कोविशील्ड ही दिया गया है ओके और फ्यूचर में भी शायद कोविशील्ड ही हो हमारे पास ऐसा कुछ अलग से कोटा हमें स्पूटनिक किया या फिर आपका कोवैक्सिन नहीं दिया गया हमें तो हमको कोविशील्ड के साथ ही चलना है हैं जी एक बात सुनने में आती कि कोवैक्सिन जो है वो प्रेगनेंट लेडीज के लिए बेटर हो सकता है मतलब ये हम सुनते हैं कि हाँ ये बेटर हो सकता है या ये तो कोवैक्सीन को लेते हुए थोड़ा सा एक सवाल है कि दिस कैन बी ये बेटर हो सकता है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो इस पे आपका क्या इसका दो इश्यूज है सबसे पहले तो इश्यूज तो क्या है कि कोवैक्सिन ओके okay. और उससे बात है कि कोवैक्सीन तो देने के बाद फीवर नहीं आता है साइड इफेक्ट कम बोलते हैं जो दिखते हैं आपको साइड इफेक्ट कम आता है कोविशील्ड में फीवर आ सकता है लाइव वैक्सीन इसको लिए लोगों के अंदर एक अंदेशा है कि भाई कोवैक्सीन अच्छा है कोवैक्सिन अच्छा है

साइड इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम देगा बस साइड इफेक्ट नहीं होगा जैसा फीवर हो गया ये नहीं होगा <laughs> तो एक एक मिसनमर है कि केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी और समथिंग लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है जी जी आ, अब हम समझते हैं कि कुछ हमारे जो विद्यार्थी हैं विशेषकर वो विदेश ट्रैवल करते हैं अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए तो इनके लिए वैक्सीनेशन का कैसा प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि कभी कभी होता है कि जो इनका कोर्स वगैरह होता है वो अर्ली शुरू होता है और इन्होंने शायद पहला डोज लिया हो और सेकेंड डोज के लिए इनको वेट करना होता है तो किस प्रकार इनके वैक्सीनेशन में प्रोग्राम जो चल रहा है जो भी एक फॉरन गोवर्स है जो भी बच्चे हो खेल जा रहे हो फॉर जॉब के लिए भी जा रहे इवन हैं जो शिप में काम करते हैं ऐसे लोगों को अट्ठाइस दिन में डोज दे रहे हैं प्रायोरिटी में दे रहे हैं पासपोर्ट से लिंक भी कर रहे हैं उनको कुछ लोग तो जिन्होंने पहला डोज पासपोर्ट से लिंक नहीं किया उनको अलग से सर्टिफिकेशन किया हमने ओके okay. कि उनका जो इंटरनेशनल वीज़ा एप्लीकेशन के लिए काम आ जाए hmm. तो उनको हम बराबर ट्वेंटी डेज में सेकेंड डोज भी काम जा सकते हैं ओके अंदमान में अगर हम बात करें तो हाइपर और डायबिटीज़ दोनों के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं तो एक मित भी रहता है कि हाइपरटेंशन है मुझे ज़्यादा और शुगर का ऑलरेडी मैं इतना दवाई ले रहा हूँ डायबिटिक्स का अब वैक्सीन तो ये जो मिथ है या फिर ये जो डर रहता है लोगों के अंदर में क्योंकि केस बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन और इसका तो किस प्रकार आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि जिनको ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ ज़्यादा है कि वैक्सीन क्यों लेना है क्यों तो इतना इम्पोर्टेंट है और किस समय ये सही लेना होगा देखिए वैक्सीन ये जो कोमोर्बिट कंडीशन जिसको बोलते हैं चाहे आपका किडनी का इश्यूज़ हो चाहे व्यस्ताओं का प्रॉब्लम हो ब्रकैटीज़ हो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ हो ऐसे केस को तो पहले वैक्सीन लेना चाहिए ओके okay. क्योंकि कंडीशन जहां पे होता है आपका बॉडी इम्यूनिटी डिजीज में ठीक है आपका कहने की तो आपको प्रोटेक्शन देना अनिवार्य हो जाता है हो जाता नहीं। 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 तो, तो इसलिए आप सबसे पहले को लीजिए ओके एक चीज ध्यान रखिएगा अगर अनकंट्रोल डायबिटीज आपको चार सौ पाँच है या फिर आप परवाह नहीं कर रहे हो तो उस समय वैक्सीन लेने के बाद आपको थोड़ा सा ना चक्कर आना जो भी होगा ना ये सब चीज हो सकता है ज़्यादा तकलीफ हो सकता है जी तो कोशिश कीजिए शुगर लेवल को कम रखें ओके okay. जितना कम हो सके yeah. उतना रखें और फिर वैक्सीन को लगाएं okay. तो आपके जो एडवर्स इफेक्ट्स है वैक्सीन के वो पहले के थोड़ा सा कम हो जाएगा ओके okay. ओके okay. और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सेकेंड डोज होगा वो सेकेंड डोज आप टाइम पे ले लें ओके टाइम पे ले लेंट एटी डेज के बाद हम सेकेंड डोजी उसे आप टाइम पे ले लें ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको आपने अगर डिले किया है उसमें उस पाया है कि जो लोग मरे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने तो वैक्सीन ली नहीं थी okay. और जनरली तो सिंगल डोज लिया था okay. <laughs> दोनों वैक्सीन लिए ऐसे किसी का डेथ अभी तक नहीं हुआ हमारे रिकॉर्ड में okay. जो हमारे हॉस्पिटल में आके डेट हुआ नहीं हमारा तो कहने रहे वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और जब वैक्सीन को लॉन्च किया गया था तभी बताया गया था आपको कोविड से आपको राहत नहीं देगी ये जी आप कैसे मतलब कि वैक्सीन ले लिए तो आप कोविड से मुक्त हो गए ऐसा जी 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 कोविड आपको होगा बट एक कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा ओके okay. कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाएगा करीब सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव परसेंट तक आपको बचाएगा यही कारण है कि हम वैक्सीन पे जोर लगा रहे हैं होके थर्ड वेब आता भी है अगर तो कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए हमको सिक्सटी टू एटी परसेंट वैक्सीनेशन कवरेज अंडमान में देना जरूरी है ओके एडवर्स uh, इफेक्ट जैसे कि हम वैक्सीन लेते हैं तो कई लोगों में फी है उल्टी भी कभी कभी हम सुनने में आए कि लोगों को उल्टी भी होती है तो लोग डर जाते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद ये ऐसे हुआ है तो क्या मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या ये होना लाजमी होता है या क्यों होता है या फिर कई लोगों में हम देखते हैं कि नहीं भी होता है नॉर्मल रहते हैं लोग क्यों ऐसे डिफरेंस होते हैं किस प्रकार हम इस दोनों को देखें सर अच्छा इसमें दो एक चीज़ होता है एक साइकोलॉजिकल इशू होता है जी दूसरा था कि बॉडी कैसे रिएक्ट करता है किसी फॉरेन बॉडी से वैक्सीन एक फॉरेन बॉडी होता है जब बॉडी को इंसर्ट करता है क्या बॉडी हाइपर रिएक्ट करता है अगर हाइपर रिएक्ट करता है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम शुरू होगा खासकर आपका ये जो फीवर हाइपर रिएक्ट करेगा मतलब आपका और जिसके फीवर नहीं आता इसका मतलब उसका रिएक्शन नहीं उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है बट बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग इन ए प्रॉपर वे लो वे मतलब मॉडरेट वे बोल सकते हो तो ये इश्यूज हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अगर फीवर नहीं आया इसका मतलब नहीं कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है ऐसा नहीं है ओके ऐसा नहीं है देर मे बी अदर रीजन है बॉडी इज रिएक्टिंग टू इट जहाँ तक ये चक्कर आने के सवाल है कभी कभी कुछ चीज़ों में देखा हमने साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो गया हमारे पास ऐसा केस पहला बार जब हमने शुरू किया था इन द मंथ ऑफ फेबर जहाँ पे शुरू हुआ था तो उस समय हमने देखा कि कुछ लोग हमारे मेडिकल स्टाफ गिर गए बेहोश हो गए या फिर क्लाप्स okay. हो गए थे ओके okay. तो पता चला वो तो हाइपर सेंसिटिव है मतलब उनके साइकोलॉजिकल इशू की वजह से रियक्शन आ गए ऐसा इशू कुछ लोग जब हम वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं तो लोग आते हैं सर हमको ये प्रॉब्लम है हम लेना नहीं लेना कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूज रहते हैं काफी कंफ्यूज रहते हैं जी जी जैसे पोलैंड म्यूनिस्पल काउंसिल कराया तो हर दिन कहने कोई आ जाता है इतना सा ऑपरेशन हो गया मेरे इतना सा दवाई खाता हूँ लेना उनकी इच्छा भी है डर भी है डर भी है तो हम उस क्या करते कि psychological लिए उनको करने के लिए हम बोलते हैं काम करो आप बैठ okay. जा, जा। hmm. जाओ में बैठ जाओ जहाँ वैक्सीनेशन देते घंटा बैठ जाओ आराम से जी. देखो सबसे बात करो सबसे देखो क्या हो रहा है जी. जब एक दो घंटे लगेगा आपको कि भाई आप कॉन्फिडेंट हो उठ के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और okay. और ये काफी कारगर रहा है हमारे लिएकेरल में भी ऐसे ही किया बैठ जाइए बस बात बार पूछने आ रहे हैं नहीं सर क्या करना आ तो जाते हैं लेकिन फिर भी एक डर रहता है तो हम बोलते हैं बैठ जाओ जैसे ही बैठ गए उन लोग आप देखते रहो दो घंटे ऑटोमेटिक कुछ देर का लगता है हमको देना चाहिए कड़ा होकर लेके निकल जाते हैं जी 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 तो एक इंटरेस्टिंग वे लाइक इसी तरह से मैं जानना कि और कितने तरह के मतलब कुछ नए प्रोग्राम जैसे वी हैव अभी हमारे पास कई सारे ऑनलाइन uh, प्लेटफॉर्म्स uh, भी हैं हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैं तो so, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है बहुत बड़ा ड्राइव है ये और द्वीपों में तो बहुत बड़ा है क्योंकि लोग एक टाइम था नहीं आते थे इस वक्त चाहते हैं लेकिन स्लॉट जैसे कि बुक नहीं हो पा रहा है हाँ तो किस प्रकार ये ऑनलाइन जो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह इसका किस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है और किस प्रकार ना केवल हमारे साउथ अंदामान में नॉर्थ एंड मिडल और, और निकोबार में किस प्रकार का इसका प्रचार किया जा रहा है सर देखिए अभी खुशी की बात है ट्रैवल काउंसिल से बहुत बहुत फोन आया मुझे जहाँ वैक्सीन चाहिए हमें हाँ वैक्सीन चाहिए ओके okay. और बाद में जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को लिया हमारे कमिश्नर साहब ने भी इस बात को आगे किया जी तो डी सी निकोबार जो चौधरी साहब थे उनका भी एक आया था कि फिर हम निकोबार को सेचुरेट कर दें ओके okay. तो हमने कैलकुलेशन दिया थे देखा कि सिर्फ पाँच हज़ार सात सौ या छः हज़ार डोज दिया तो निकोबार कम्प्लीट हो जाएगा ओके तो हमने दे दिया जी जी तो ट्राइबल काउंसिल का फ़ोन आना इस तरह का कर सेचुरेशन करवाना बोलने से आप उस ट्राइबल एरिया में भी देखो कितना एक 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 ये है एम एन एस है डी सी नॉर्थन मिडिल भी ऐसी फ़ोन किए थे तो वहाँ पर दिल्लीपुर एरिया में जैसे होते हैं कि जैसे कुछ गाँव से बूढ़े लोग आ जाते हैं कि आज मेरा वैक्सीन मुझे लगना ही है ही है तो मैडम बोलती है कि हमें एडवांस से वैक्सीन रखना पड़ता है क्योंकि गांव से लोग आ जाते हैं दे डिमांड फॉर इट दे डोंट गो को गिव द वैक्सीन जी 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 ठीक है ना वो लोग हो गए और पोर्टल में तो आप देख ही रहे हो जे एन आर एम में जो भीड़ लगती है सुबह शाम तक बहुत ज़्यादा बिक लेती है लोग अभी जैसे फ़ोन कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए दे हम दे नहीं पा रहे हैं उनको ओके okay. तो ये सारा इश्यूज है और जहाँ तक मुझे सवाल इश्यूज है कि वैक्सीन के बारे में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इट विल गो आटोमेटिकली दो तीन परसेंट लोग ऐसे हैं जो अभी भी कन्फ्यूज हैं कन्फ्यूज हैं और यही लोग जाके बाद में हमारे लिए एक तरह का कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन ला सकते हैं फ्यूचर में थ्रेड बन सकते हैं तो उनसे मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप प्लीज़ सामने आएँ अगर आप बेड रिडन नहीं हो बेड रिडन नहीं हो आप आ जाइए हॉस्पिटल में या फिर जो भी सेंटर में वैक्सीन लगवा लें ओके ठीक है वो आपके लिए सही होगा आपका परिवार के लिए सही होगा और ऑफ कोर्स कम्युनिटी के लिए सही होगा ओके उसके लिए क्योंकि एक पेशेंट जब हॉस्पिटल आ जाते हैं क्योंकि सेकेंड वेव हमने देखा है एक पेशेंट हॉस्पिटल में जब आ जाते हैं लंबा चलता है वो जी पहले जैसे हम सात दिन आठ दिन में छोड़ देते थे उनको डिस्चार्ज कर देते थे बहुत ज़्यादा अतिक हो जाते थे नेगेटिव भी हो जाता था अभी तीन तीन हफ्ते तक लोग रह रहे हैं और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन थोड़ा तो सा इम्प्रूव होकर फिर कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं तो कहने के वायरस में बहुत बड़ा बदलाव है यही कारण है कि हमें थोड़ा सा सतर्क होना है जी इस विषय पर हम आगे बात करते रहेंगे तो दर्शकों इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हमारा जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा जीबी पंत अस्पताल में कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए आने वाले मरीजों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा शुरू की गई है लोगों से कहा गया है कि वे दिए गए डॉक्टरों के मोबाइल नंबरों पर सवेरे 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक संपर्क करें। फिट है तो हिट है स्वास्थ्य का रखो हमेशा ध्यान तभी बनोगे तुम महान स्वास्थ्य को दे पहला स्थान तभी होगा बीमारियों का निदान अब हर किसी को यही कहना स्वस्थ रहना व सुखी रहना ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है Uh, जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार इस वक्त हमारा कंडीशन है अंदमान निकोबार का द्वीप समूह का कोविड नाइन्टीन को लेते हुए प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ थर्ड वेव बहुत महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि सेकेंड वेव हमने देखा वी वे प्रिपेरड फर्स्ट वेव हमें जानने में थोड़ा समय लगा लेकिन हम प्रिपेर्ड थे और हमने बहुत बेहतरीन काम किया पूरा डिपार्टमेंट एंड जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे सेकेंड वेव हम तैयार थे हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए उसके बावजूद भी कुछ डेथ्स जो इंक्रीज हुए थर्ड वेव आता है सो so, क्या हम एकदम प्रिपेयर है अपने आप को लेते हुए और इस प्रिपरेशन में क्या केवल डिपार्टमेंट का रोल होता है या फिर जनरल पब्लिक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और इसमें वैक्सीनेशन को भी एडम कर लेते हैं सर तो किस प्रकार हम इसे देखें देखिए थर्ड वेव का जहाँ तक सवाल है मैंने बोला कि अक्टूबर मिड में अंडमान में हिट करने के चांसेस है थोड़ा पंद्रह बीस दिन आगे पीछे कर लेते हैं इसको एंड देन वाट हैपेंसिस की आपके अगर थर्ड एफ्ट में जैसे हमें बताया कि छोटे बच्चे जो अठारह साल के नीचे बच्चे हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है आपको थर्ड इश्यूज़ क्या जहाँ प्रिपरेशन के सवाल है हमारे चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में हमने एक ये बनाई है कंटीजेंसी प्लान बनाई है अगर अंडमान एक्ोर में एक दिन में एक बार में नॉट एक दिन में एक बार में चार हज़ार पेशेंट आ जाता है तो उसको रखने के लिए उनको ट्रीटमेंट देने के लिए पूरे कंटीजेंसी प्लान हमने तैयार कर ली है और जिसके तहत हमने पूरे परचेसेस कर लिए हैं हमने कंसनट्रेटर से ले आपका ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर सब कुछ कर लिए है इसके अलावा एक नया बून हमको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मिला है वो है आपका पी एस ए प्लांट जिसमें कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होगा जो जी बी पंत में लग रहा है 2000 एलपीएम का डिफेंस में लग चुका है मायाबंदर निकोबर में लगाने जा रहे हैं इसके बाद कैमलवे में, में लगाएंगे हम लोग तो कहने की जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी होगा ये कम हो जाएगा इसके अलावा हम करीब 300 एडिशनल बेड्स हॉस्पिटल बेड हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें से पहले चरण में हमने 100 बेड्स हॉस्पिटल हमने खोल रहे हैं अभी पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए जो बिलो एटीन के बच्चों के लिए वो हम कर रहे हैं हेडो है में उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं हम लोग सेप्टेम्बर तक वो काम आ, काम हो जाएगा और हम वहाँ पर फुल फ्लेज एक हॉस्पिटल तैयार करेंगे करीब अस्सी से सौ बेड का हॉस्पिटल होगा जहाँ पे बच्चों को रखा जाएगा प्लस इन इस हॉस्पिटल में हम 10 बेड ऐसा रख रहे हैं जो पीडियाट्रिक आई या पीडियाट्रिक एच डी यू हाई डिपेंडेंसी यूनिट वहाँ पर रख रहे हैं कि बच्चों को अगर आई सी यू की जरूरत पड़े तो उनका सारा साजो सामान के साथ हम उस पर उसका सामान मंगा रहे हैं और वहाँ पर आप सेटअप करेंगे इसके उसके ऊपर एक बाकायदा हाई लेवल कमेटी बनी है हमारी जो दिन प्रतिदिन इस चीज़ को रिव्यू करता है एक दर्शक हमसे जुड़े हैं सर पहले उनसे बात कर लेते हैं हाँ जी हेलो हेलो गुड इवनिंग आपका नाम बोल रही हूँ जी सवाल पूछिएगा गुड इवनिंग अभिजीत सर जीवनिंग सर एक्चुअली सर करेंट सिचुएशन की बात करें तो तो काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद धन्यवाद सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आप तो नोडल ऑफिसर है आपको तो इतना अंदाजा होगा कि ये वायरस सबसे ज्यादा फैलने का सबसे मेन रीजन क्या है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हम लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे इसमें दो, दो इस पहला इशूज है कि जो स्टार्ट थे हमने। वहाँ पे कहने के इन्होंने जो लोग आए थे और टेस्ट करके आए थे लेकिन कुछ लोगों ने गलत सर्टिफिकेट लेके आ गए थे और गलत सर्टिफिकेट लेकर आने, आने के बाद यहाँ पर क्या किया एक दो को फैला दिया उसको उसका हम बोलते हैं हॉटस्पॉट वो हॉटस्पॉट क्रिएट होने के बाद एक स्नो बॉल आ, अपियरेंस आ गए एक स्नो स्ट्रॉन्ग आ गए जिससे कि एक दूसरे को फैलाते फैलाते पूरे कम्युनिटी में फैल गया था और आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी अंडमान एक बार पुलिस ने और प्रशासन ने मिल कुछ कंपनीज़ में कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर केस भी किया है केस चल रहा है कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट लेकर अंडमान ट्रैवल की ऐसे काफ़ी लोग आ गए थे यही कारण है कि हमने एयरपोर्ट में दूसरी बार टेस्ट शुरू किया पहले हमने शुरू किया था रैपिड टेस्ट और उसके बाद अगली बार हमने शुरू किया आरटीपीसीआर जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है मैं बोल चुका हूँ कि अक्टूबर मीट तक हमको थर्ड वेव टच करेगा पंद्रह बीस दिन आगे पीछे ले लीजिए आप कहाँ तक ये खतरनाक होगा इस पर डिपेंड दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा हमारे जो पर्सनल बिहेवियर है आपके जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है हमारा और दूसरा होगा वैक्सीनेशन ये दो दो चीज़ पर मेन मेन काम का तीसरा जो वायरस का मोडालिटी होगा वायरस का जो जो बोलते हैं आप लितालिटी होगा उस पर डिपेंड करेगा तो इस पर हम अभी कुछ डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं लेकिन यह तय है कि अगला जो वेव होगा वो कई करीब कहीं ना कहीं बीस साल के नीचे बच्चे या अठारह साल के नीचे बच्चों को इफेक्ट करने का चांसेस है खासकर छः साल से लेके अठारह साल के बीच में ये चांसेस ज्यादा है आपको इसीलिए हमको आ, सावधान होना आ, होना बहुत अनिवार्य है जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था इसमें हमने ये बोला कि जैसे हमने कंटीजेंसी प्लान तैयार कर, कर ली है और हमने हंड्रेड बेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल यही टारगेट को देखते हो कि हंड्रेड बेड पीडियाट्रिक हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा तो पूरा हंड्रेड बेड पेडाट्रिक कोविड वार्ड बन जाएगा हमारे लिए ओके उनको उन लोगों को रखेंगे तो जीबी पंत से बिल्कुल अलग हो जाए उसका अलग सेटअप बनेगा वहाँ पर ओके ठीक है इसके अलावा 200 सौ बेड्स और हम कहीं दो जगह पे हमने सेट किया है ज़रूरत uh -huh. पड़े तो उसको एक्सटेंड करके वहाँ पे भी फुल फ्लेज हॉस्पिटल होगा okay. कि जीबीपंत को डिकन्जेस्ट किया जा सके ओके पूरा वहाँ का जो रूटीन वर्क भी चल सके और कोविड का केयर भी हम कर सके ये हमारा प्लान्स है इसके अलावा जो नीति आयोग है उनसे एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प मांगा है उनके तरफ से हेल्प आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो एच के थ्रू हिंदुस्तान लाटर्स लिमिटेड के थ्रू हमें सामान पहुंचा रहे हैं तो चार पी एस प्लांट्स का ऑलरेडी बात हो चुकी है मतलब सेंक्शन हो चुका है दो लग, एक लग चुके एक लग रहे लग रहे हैं इसके अलावा आपका कंसनट्रेटर खासकर हमने इस पर दवा मतलब स्ट्रेस किया कि टेन लीटर्स का जो कंसनट्रेटर है ओके okay. उसे देने के लिए जिससे क्या होगा कि हम आउटर ऑल में बैकअप दे सकें ओके okay. कोविड पेशेंट में क्योंकि कभी क्या होता है कि अब पाँच लीटर से ज़्यादा मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो फाइव लीटर्स का होता है अगर फाइव लीटर्स से ज़्यादा हमने लाया है और ज़रूरत पड़ी तो उसको लगाएंगे तो ऑक्सीजन जो जुम्बो सिलेंडर का काम करेगा ओके okay. तो कहीं ना कहीं आप आउटर आइलैंड में जो सिलेंडर बार बार रिफिलिंग करना उसको भेजना रफ वेदर में शिप बोट का इशूज़ है तो उसको आप कहीं ना कहीं ये कर सकते टैकल कर सकते हो तो, तो इसकी वजह से हम लोग उसे कॉन्सेंट्रेटर पर ज़्यादा कर रहे हैं अभी okay. सोलह सौ से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटर मंगा चुके हैं हम लोग टारगेट हमारा थ्री थाउजेंड तक है ओके लेकिन सेमेंटल हमने छोटा और बड़ा सिलेंडर काफ़ी बढ़ा दिया हमने ओके okay. तो और उसके बाद प्राइवेट जो कंपनीज जो अभी दो तीन कंपनी अभी हो चुका है जो फिलिंग करके हमें दे रही है एक मार्जिनल रेट पे तो कहने के ऑक्सीजन पे हमने कहीं कही ना कहीं एक पा लिया है एक तरह का आ, तो बैलेंस पा हो गया है बेड्स हम तैयार कर लिए हैं फैकल्टीज जो बोलती है ट्रीटिंग डॉक्टर्स तैयार कर लिए हैं जो पुराने नर्सेस हमने लिए थे जो टेक्नीशियंस लिए थे उनका पैनल तैयार है हमारे पास जैसी थर्ड वेव लगेगी कि किस्ट्राइक हो रहे हैं हम करेंगे दूसरा जो भी, भी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था अभी उसमें एक चीज है कि आप और क्या कर रहे हैं उसमें एक चीज है कि अभी जितने भी अगर एक टूरिज्म एक्टिविटी स्टार्ट होता है अगर अंडमान में तो हम तय करें कि हंड्रेड लोग एयरपोर्ट में वहां से टेस्ट होके आएगा अपना करके आएंगे फोर्टी आवर्स के अंदर पोवलर आने के बाद हंड्रेड लोगों को टेस्ट हम करेंगे और उसके लिए हमने तैयारी की है कि 2500 लोगों को आरटीपीसी एक दिन में कर सकते हैं हम लोग मैं बताऊंगा जो एक हिस्ट्री रहेगा अंडमान के लिए 2500 सौ से ज्यादा नहीं कर पा रहे थे उसको हमने अपडेट करके पच्चीस सौ बढ़ा दिए अभी ओके okay. हमारे जो एन एम्स कॉलेज है वहाँ पे तीन मशीन लगा दिए हैं जी आई सी में तीन मशीन लग चुका है टोटल टो तो छह मशीन हमारे पास हो चुके हैं अगर दो शिफ्ट में हम काम करेंगे अगर दो शिफ्ट में काम करें तो मिनिमम तीन थ्री थाउजेंड सैंपल्स एक दिन में हम कर सकते हैं वो तैयारी हम करके रखे हैं तो पच्चीस अगर एयरपोर्ट में हो जाता है पाँच हम लोकल पब्लिक जो इंटरनल पैसेंजर्स होगा शिप के जो लोग होंगे उनके लिए हम रख सकते हैं तो ये तैयारी इस हद की तैयारी हम कर चुके हैं फिर भी बोलूंगा कि अप्रोप्रियट बिहेवियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ओके okay. ये दो चीज़ पर हम ज़्यादा ये कर रहे हैं स्ट्रेस कर रहे हैं जी दर्शकों को याद दिला दूँ कि अक्सर हम चाय की दुकान पर बैठ के ये बात करते हैं कि अब अंदमान में क्या होगा थर्ड वेव आगा आएगा या नहीं आएगा वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है इस वक्त आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कॉल करके उन्हीं से पूछें जो इस वक्त इस चीज़ को डील कर रहे हैं तो यदि कोई सवाल हो तो हमें कॉल करें हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है ब्लड डोनेशन कई लोग इस वक्त जो है ब्लड डोनेट करना चाहते हैं कि हाँ कई सारे मरीज आते हैं जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ब्लड की आवश्यकता होती है एक्सीडेंटल केस भी आते हैं हमारे पास इस वक्त लेकिन इस वक्त है कि जब एक व्यक्ति को ब्लड देना होता है तो कुछ जो गाइडलाइंस है उसे भी फॉलो करना है जैसे कि वैक्सीन लिया हो या ना लिया हो लिया हो तो कुछ समय से पहले लिया हो किस प्रकार इस चीज़ को हम देखें कि कब कब हम दे सकते हैं ब्लड कब हमें नहीं देना चाहिए यदि कोई इंसान डोनेशन कर रहा है सर डोनेशन के वैक्स से अगर डोनेशन की बात करो तो इसमें कोई कोई रिलेशन नहीं है आप कभी दे सकते हो जी खासकर क्या होता है कि जब आप वैक्सीन लेते हो तो एक दो दिन आपको थोड़ा सा हरारत से रहती है तो उस समय ना दे एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद आप दे सकते हो ओके लेकिन आप अगर पॉजिटिव होते हो कोविड पॉजिटिव हो तो थ्री मंथ्स के बाद ये ब्लड डोनेशन करना है ओके वो एक आप ये रखिएगा तो दैट इज़ द रूल कि आप थ्री मंथ्स थर्ट नाइन्टी डेज के बाद ही आप ब्लड डोनेशन करोगे अगर कोविड पॉजिटिव पॉजिटिव हो वैक्सीन लेने के बाद ऐसे कुछ रिलेशन नहीं है बट वीकनेस वीकनेस हो सकती है इसकी वजह से हफ्ता दो हफ्ता डिले कर सकती हो बस। जी लेकिन हम सुनते हैं कि ये जो हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स uh, में आते हैं ट्विटर में हो गया व्हाट्सएप या फेसबुक में कि यदि एक व्यक्ति ने वैक्सीन लिया है तो एक महीने तक वो किसी को या तीन महीने तक ब्लड किसी को ना दे तो ये पॉजिटिव केस कर... में होगा ओके क्योंकि आप एक जो वायरस दे रहे हो किल्ड वायरस है या फिर मॉडिफाइड वायरस है जी ठीक है जी जेनेटिक मटेरियल पे काम जेनेटिक मटेरियल्स पे है ओके okay. तो उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा आप कब दे सकते हो ओके okay. बहुत महत्वपूर्ण तो एक इन्फॉर्मेशन था ये अगला सवाल सर कि जैसे हमने कहा कि 18 के नीचे में होने की पॉसिबिलिटी है बच्चों में uh -huh. तो जब इनमें होती है तो थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो सकता है क्योंकि बच्चे हैं इन्हें समझने में कुछ समय लगेगा तो पेरेंट्स या गार्डियंस जो हैं उन्हें देखभाल करना होगा बट सोसाइटी का कितना बड़ा रोल है क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अभी जब बड़ों में हुई थी एटीन uh, प्लस में या फोर्टी फाइव प्लस में तो कई केसेस में हमने देखा कि जो सोसाइटी था उन्हें अलग कर रहा था मतलब उन्हें अपने आप से दूर रख रहा था परिवार के सदस्य उन्हें दूर रख रहे थे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है साइकोलॉजिकल वे में भी तो अगर ये एटीन प्लस से नीचे होता है किस प्रकार सोसाइटी का एक रोल होता है कि इन बच्चों को जो है वो आगे लेके जाए तो सबसे पहले तो बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना है देखिए छोटे बच्चे घर पर रहना नहीं चाहेंगे हुँ. ठीक है छोटे बच्चे घर पर रहना नहीं चाहेंगे बाहर घूमना चाहेंगे उनका है ही उनका लेवल ऑफ थिंकिंग इतनी जी तो सबसे पहले तो उनको घर पर रहने के लिए प्रोत्साहन देना है घर में एक्टिविटीज़ कराना है उनसे जी एक्टिविटीज़ के फुल टाइम एंगेज रखो घर के अंदर ही उनको जितना हो सके ये पहला चीज़ करना है दूसरा चीज़ क्या होता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि कोविड का प्रॉब्लम है वो अपने डीसी ऑफिस में या हमें इन्फॉर्म करे हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे कि सर यहाँ पे कुछ लग रहा है हमें इनका सर्दी खाँसी जो भी है ओके। तो हम तुरंत उसको रजिस्टर कर लेंगे जी तो हमारे पास डाटा बेस तैयार हो जाता है उसके बाद उसके बाद देखेंगे अगर जोधपर तो टेस्ट कराएंगे उनका हम ठीक है टेस्ट करने का अर्थ क्या होता है कि आपको कहीं ना हम आइसोलेट कर सकें आपको ट्रीटमेंट भी दे सके और दूसरों को बचा सके लेकिन पैंडमिक सिचुएशन में टेस्ट करना अनिवार्य नहीं है बताता हूँ आपको एक चीज़ ओके सरकार

आपको जब भी सिम्टम हो टेस्ट के लिए वेट ना करो कुछ एक हमने व्हाट्सएप भी छोड़ा था कि यह मेडिसिन कर जी, जी, जी। कम करोगे तो कॉम्प्लीकेशन कम होगा कॉम्प्लिकेशन कम होगा तो डेथ कम होगा ओके हल्का सा बुखार मैं ठंडा फ्रिज का पानी पी लिया था जी मुझे गले में खराश है डोंट टेक इट लाइटली ओके होगा हो सकता है जी नहीं भी हुआ तो आपने ठंडा पानी पी ली थी गले में खराश हो गया तो आपका लोकल इम्यूनिटी कम हो गया आपको वायरस जल्दी इन्फेक्ट करेगा उसमें ओके कोविड वायरस आसपास होगा हवा में तो फैलता है वो जरूर बहुत बारीक वायरस पॉइंट वन माइक्रोन होता है तो आपको बहुत जल्दी पकड़ेगा नहीं। नहीं। तो कहना की अब दोनों तरफ से आप रिस्क में हो तो इसके लिए वो चीज आप देखिएगा से से ट्रीटमेंट ले लीजिएगा ये चीज आपको करना है सोसाइटी का दूसरा होता है हॉस्पिटल में पहुंचाना है तीसरा सबसे बड़ी रिस्पॅसिबिलिटी ये होता है कि प्लीज हॉस्पिटल में गर्दी ना करें आप ओके मैं थोड़ा सा आउटस्पोकनली बोलूंगा जी लास्ट टाइम हमारे पास जो बहुत बड़ा समस्या आई थी सेकंड वेव में जो आई थी वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स ज़्यादा पब्लिक की दी जाती थी ओके okay. वो कहने की एक तरह का बम बन गया वहाँ पर एक तरह का ना एक तरह हॉट बम बन गया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन okay. वहाँ पर हो रहा था नहीं। नहीं। तो वो चीज़ को काफ़ी मुश्किल से कंट्रोल किया लोग समझ समझना नहीं चाहते हैं कुछ लोगों ने डॉक्टर से लिखवा लिया कि इनको अटेंडेंट चाहिए तो रुक गए वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बिजनेस भी शुरू कर दिए थे अपना अटेंडेंट का तो ये सारा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं तो हॉस्पिटल से हम दूर रहें खुद दूर रहें अगर आपको इन्फॉमेशन चाहिए तो इफॉमेशन आपको दे दिया जाएगा इनफॉर्मेशन काउंटर्स भी खोल दिया जाएगा कर दिया था हमने ऑलरेडी वहाँ से इफॉर्मेशन लीजिए पेशेंट के जितना करीब जाओगे आप विदाउट प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा आप इफेक्ट करोगे वहाँ से घर जाओगे घर में जाकर सबको फैला दोगे आप जी तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि पेशेंट से आपको दूर रहना है, है। ये सोसाइटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए होता है और सबसे बड़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको वैक्सीन लग गया तो भी मास्क पहननी है आपको तभी आपको हाथ धोना है आपको जी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है तो जैसे आपने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूँ क्योंकि आ, ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है ये खुद से आता नहीं हम इसे कैरी करते, है, करते, करते हैं कैरी कहते हैं इट वॉक्स विद अस तो जैसे आपने कहा कि हम समझ सकते हैं कि ये हमारे परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य बहुत महत्वपूर्ण एक सदस्य हैं ये बीमार है इस वक्त अस्पताल में लेकिन हमें भी ये चीज़ समझना है कि अगर उनसे हमें आता है ना केवल हमें बल्कि जब वापस हम घर जाएंगे तो परिवार में जो बच्चे हैं जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी हो सकता है तो ये चीज़ जो है हर व्यक्ति को समझना है क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहते भी हैं तो ट्रीटमेंट डॉक्टर ही देते हैं हाँ जी तो ये चीज़ को जनता को समझना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी अगला जो सवाल रहेगा सर कि पुराने पेशेंट और नए पेशेंट फर्स्ट वेव सेकेंड वेव तो उनका जो ट्रीटमेंट था उनका जो इन्फेक्शन जो आ, रेट था और अभी का जो इन्फेक्शन रेट है किस प्रकार है और रिकवरी रेट किस प्रकार हम दोनों पेशेंट को अगर कंपेयर करें किस प्रकार है से? अगर हमने टोटल केसेस में देखेंगे तो आर फैक्टर हम बोलते हैं जिसमें कि डबलिंग डबलिंग रेट नहीं बोलते थे कि कितना जल्दी फैलता है लेथेटी बोलते जिसके अभी लेथे नहीं बोलते उसको बोलते हैं इफेक्टिविटी आर फैक्टर में हम बताते हैं ओके तो फर्स्ट वेब में आर फैक्टर ज़्यादा था देखा जाए तो ओके सेकंड वेब में पॉइंट था वन नहीं था वन नहीं था तो कहने की सेकेंड वेव कंट्रोल में था लेकिन सेकेंड वेव में जिन लोगों को हुआ ख़तरनाक हो गए वो ओके okay. और इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुआ उनके अंदर नहीं, नहीं। थर्ड वेव में ऐसे होगा केसेस कम होगा आर फैक्टर तो कम होगा शायद जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ओनली लेकिन डेथ्स कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकता है ओके okay. एक एक तरह का हाइपोथेसिस है इसकी वजह से थर्ड वे में ज़्यादा चौका ना रहना है केसेस सबके बहुत कम होगा ओके बहुत ही कम होगा लेकिन जो होगा कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है ओके Uh, अगला सवाल रहेगा जैसे हम बात करते हैं जैसे हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करा एडोल्ट एज में जो रहते हैं जिनके मतलब जो विमेन जो पीरियड्स वगैरह उनमें होता है तो इनमें भी एक आशंका होता है कि कब लेना होता है ड्यूरिंग द डेट्स उन्हें लेना होगा या कुछ दिनों के बाद तो किस प्रकार ये एज ग्रुप अपने आप को समझाए मतलब ये समझे कि, कि कब लेना है कब नहीं लेना है लेना अनिवार्य है या नहीं लेना है किस प्रकार इसको हम देखें सकते देखिए पहले बात तो 18 प्लस ही वैक्सीन देंगे उसके नीचे तो वैक्सीन अब तक आए नहीं उस पर हम बहस नहीं कर पाएंगे जब तक उसका क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट ना हो होके okay. तो जहाँ तक मैं जो मैंसेस वगैरह के इश्यूज है उसमें आपको लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होना चाहिए mm -hmm. हाँ अगर आपको अगर पेनफुल मैसेस है कुछ इश्यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू होता है उस टाइम पर तो थोड़ा सा छः दिन डिले कर दीजिए आप ओके okay. पाँच छः दिन डिले कर दीजिए आप mm -hmm. पाँचवा दिन, mm -hmm. पाँच दिन के बाद छठवा दिन ले सकते हो आप ओके okay. ऐसे इश्यूज में नॉर्मल मैसेज अगर है आपको तो मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ओके अगर आप बेड नहीं हो बेड नहीं हो तो वैक्सीन आप कभी भी लगा सकते हो ओके okay. ठीक है जी जी आप कभी लगा सकते हो जी लीवर आपका पूरा डैमेज नहीं है आपका किडनी फुल डैमेज नहीं है नहीं। तो कभी लगा सकते हो लीवर फुल डैमेज है आपका किडनी फुल डैमेज है अनकन्ट्रोल डायबिटीज़ है तो एक बार कोशिश कीजिए कि आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे बार बात कर लीजिए आप ओके okay. फिर आप वैक्सीन लगाने आए क्योंकि मैंने पहले बोला था कि इंडिविजुअल केस वेरी करता है डिफरेंट होता है तो आपको समझ के हमें बोलना पड़ता है कि आप ले सकते भी ले नहीं सकते तो कॉल्स हमारे पास भी आते रहते हैं कि ऐसा लू ना लू तो हम बोलते हैं आप लो मत लो तो से मिलना ऐसे नहीं। पे। uh, में ऐसे कुछ ट्रायल नहीं नहीं। uh, uh, चल रहा है अगर हो जाता है तो आशा करते हैं परमिशन हम, मिल जाती है तो हम चाहेंगे छह साल से ऊपर जितने बच्चे सबको सब okay. बहुत अनिवार्य होगा छोटे okay. बच्चे जो है छे साल के नीचे कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं ओके वो अपने आप प्रोटेक्टेड है तो उनमें ज्यादा इशूज नहीं होना चाहिए एक बहुत बड़ा टारगेट है लेकिन हम आशा करते हैं कि ये सक्सेसफुल सक्सेस हो वायरस आया 2019 एंड दिसंबर के समय में फिर 2020 बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था ट्वेंटी अब भी चल रहा है तो इसने क्या अपना रूप बदलता गया हाँ तो पहले हमने सुना ये वायरस अब हमने सुना ये वायरस अब हम सुन रहे हैं डेल्टा वेरियंट अच्छा। मतलब ये नया सा नया कुछ ना कुछ अपने आप को बनाता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है ये नया कुछ कर रहा है क्या कर रहा है समझना है अब डेल्टा वेरिएंट पे आके रुका है आगे कहाँ जाएगा हमें नहीं पता डेल्टा वेरियंट क्या है सर देखिए डेल्टा लैमडा ये तो आते रहेगा जी सिंपल सी बात है आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ मैं नॉर्मल वे में जी जी एक इन्फ्लुएंजा फैमिली के वायरस है ये सारी ग्रुप के वायरस है इनमें सब टाइप्स होते हैं ए बी सी जब को बीटा टाइप होता है बीटा टाइप जो होता है सबसे नटोरियस होता है ओके नटोरियस बोलने से क्या होता है अपना रूप बहुत जल्दी बदलते हैं जी जी एक दर्शक जुड़े हैं हम उनसे बात कर लेते हैं हेलो हेलो जी नमस्कार आपका नाम नमस्कार सर मैं कैम से बोल रहा हूँ सरवा जी सवाल पूछेगा सवाल ये सर कि अभी कोविड तो अभी पिछले एक साल से चलता आ रहा है आने तक कई सालों तक चलेगा ऐसा लग रहा है तो ऐसा में स्कूल ऐसे ही बंद रहेंगे सर या फिर खोलने के लिए कुछ प्लान्स हो रहे हैं सर यस yes, बहुत बढ़िया बात है हमने ये अभी अगले महीने मीट तक हमने उसको बंद रखने को मतलब कहा था कि अगले महीने मीट तक वो बंद रहे स्कूल्स जो हमारी जो कमेटी है उन्होंने डिस, डिसाइड किया था और उसके बाद इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने फर्स्ट वीक का रिव्यू होगा इस चीज़ का कि क्या सिचुएशन हो सकता है कुछ स्टैटिकल कैलकुलेशंस रहेगा हमारे पास उस बेसिस पर हम फिर आगे उसको फैसला लेंगे अगर खुला भी है तो आपको बड़े क्लास के बच्चे जो हैं टेंथ ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनके लिए शायद पार्टली खोलें बट इस पर हम कुछ भी बहस नहीं कर मतलब कुछ बयान दे नहीं पाएंगे अभी इस वक्त तो इस मंथ के एंड तक या अगले महीने फर्स्ट वीक तक वेट कीजिए आप और पता चल जाएगा आपको और एक बात है सर सर क्या आप मानते हैं कि थर्ड वेव आएगा सर ये थर्ड वेव तो आना अनिवार्य है अनिवार्य है हंड्रेड परसेंट आएगा लेकिन कितना खतरनाक होगा इस पर हम अभी बस हाइपोथेसिस लगा सकते हैं अंदेशा लगा सकते हैं हम कुछ डायरेक्टली कह नहीं सकते इसमें और इसमें बच्चों को ही इफेक्ट होगा सर बच्चों का इसलिए अफेक्ट इफेक्ट हाइपोथेटिकली आप देखोगे तो पहला वेब में 45 प्लस के लोग अफेक्ट हुए थे दूसरे वेब में अब बिलो 45 के अफेक्ट हुए थे तो ये दोनों एज ग्रुप में कहने के हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुका है कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जो छूट गए थे केसेस काफी कम पाए गए थे नेग्लिजिबल पाए गए थे तो हम ये आशा करें कि ये वायरस खतरनाक हो ग्रुप को टच करेगा तो यही एक हमारा अंदेश है उसी को मानते हम आगे बढ़ रहे हैं जी धन्यवाद ये जो दवाई आया वो वो दिखा रहे थे, थे मैं जी देखिये टू डी का दवाई जो है एक ऐसा है चीजें है जो इसको हम बोलेंगे कि एक ये दवाई नहीं है दिस नॉट ए मेडिसिन इट्स नॉट एग्जैक्टली द मेडिसिन फॉर कोविड रदर ओके इट इज़ ए एडजूबेंट कोविड में जो आपका जो लंग्स डैमेज करता है जो ऑक्सीजन के इश्यूज़ क्रिएट करता है उस चीज़ को रिप्लेनिश करेगा कहीं ना कहीं सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ आपको नॉन साइंटिफिक टर्म पे तो रिप्लेनिश रिप्लेनिश करेगा तो उसके लिए अभी तक उसका प्रोडक्शन पूरी स्टेज में शुरू नहीं हुआ है अभी तक इतने हाई फे लेवल पर तो जैसी होगा तो उसको यूज़ करके देखेंगे कि प्रॉब्लम नहीं है तो एवरीथिंग इन कोविड शुड भी सपोर्टिव थेरापी जी कोई एग्जैक्ट थेरापी है नहीं इसमें जी एक और दर्शक जुड़े उनसे बात कर लेते हैं हेलो हां गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग आपका नाम फ्रांसिस सर जी सवाल पूछेगा सर मैंने फोर 7421 को वैक्सीन लिया था टीआरएनएम में हम्म hmm. और उस, उसके बाद मैंने फर्स्ट 7 को 21 को सेकंड डोज लिया था मैडम सर हम्म hmm. मैं और मेरा मिसेस लेकिन hmm. वो बार-बार बार-बार मैसेज मैसेज आता है इस शरन शरन को, okay, okay, को okay. okay. इसका, इसका इशू हो, हो, हो चुका हो गलती से हो चुका ये हो, 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 हो सकता है दूसरी जो इश्यूज ये हो सकता है कि आपका जो फोन नंबर है वो फोन नंबर दो तीन लोगों ने शेयर किया होगा दो तीन लोगों शेयर किया होगा आपको अगर सेकेंड डोज हो गया और आपको सर्टिफिकेशन आपको मिल गया ऑनलाइन से तो आपको इस मैसेज को अवॉइड कीजिए कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें जी धन्यवाद कौर के लिए ये आखिरी सवाल जैसे ही था हम बात कर रहे थे डेल्टा वेरिएंट आप कह रहे थे के, नोटोरियस है, पूरा नोटोरियस नोटोरियस के पूरा है है ये बहुत ज्यादा वायरस क्या करता अपना रूप बदलते रहता है इसको बोलते हैं कि माइनर रूप बदलता है तो उसे बोलते हैं हम लोग एंटीजेनिक ड्रिफ्ट ओके और अगर पूरी तरीके से बदल नया वायरस क्रिएट करता है तो उसको बोलेंगे एंटीजेनिक शिफ्ट ओके आप देखोगे तो स्पेनिश फ्लू ओके स्पेनिश फ्लू फिर आपको देखोगे 2006 में शायद तीन में या दो में जो भी आया था आपका सार्स सार्स उसके बाद आपको देखोगे तो आ, एवियन इन्फ्लुएंजा उसके दो तीन वैरायटी आ चुकी है अब जी तक जी। उसके बाद एच वन एन वन उसके बाद आ गया मिडल ईस्ट रेस्पिटरी सिंड्रोम मर्स मर्स ठीक है फिर निफा दो बार दो तीन बार आक्रमण कर चुके निफा ये सारे एक ही कैटेगरी के वायरसेस है इनका काम है चेंज होना ओके

समय समाप्त हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि एक संदेश बहुत ही देखिए संदेश तो यही है कि अभी हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है जी आ, कुछ खुशियाँ मनाने के लिए जी अगली तैयारी अगले अगले तैयारी चल रही है हमारे पास उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं आप सपोर्ट कीजिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को चालू रखिएगा और दूसरा वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके करा लीजिए मैं आ, क्या कहूँ कि हमारा वैक्सीन है नहीं लेकिन जिनको मिल रहा है वो प्लीज़ ले ले जिसका सेकंड डोज बचा है वो आके ले ले 45 प्लस के लो, जो लोग बचे हैं वो प्लीज़ वॉक इन करें अपने अपने एरिया में और जाके वैक्सीनेशन ले ले छोटे बच्चे को बहुत संभाल के रखिए और एक बात बताना चाहूँगा जो छोटे बच्चे पाँच साल के नीचे हैं जिनको रूटीन वैक्सीनेशन जो डी पी का वैक्सीन देते हैं उनमें से कोई भी खुराक अगर बचा है तो वो खुराक आप ले लें क्योंकि कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि दो दो वैक्सीन ऐसे है बच्चों में जो देने से इसको कोविड से क्रॉस इम्यूनिटी मिलता है ये कारण है कि छः साल के नीचे बच्चों में होना थोड़ा सा लाजमी कम चांसेस है छः साल के ऊपर बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा है इसकी वजह से आप छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लीजिए आप जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम आने के लिए और बहुत सुंदर रूप से अपने सारे सवालों के जवाब दिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका धन्यवाद तो दर्शकों मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही लाभदायक था बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था Uh, दूरदर्शन पोर्ट प्लेयर जो है इस वक्त सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत आगे जा रहा है ताकि हम अपने जितने भी दर्शक हैं वो जहाँ कहीं भी हो ऑफिस में हो या घर पे हो कहीं बाहर पे हो वो अपने फ़ोन पर हमें देख सकते हैं तो इस वक्त हमने किया है ट्विटर हैंडल जी हाँ हमारा ये ट्विटर हैंडल जो हमारा आईडी है इस वक्त आपके स्क्रीन पर है ऐट द रेट डी डी के अंडर पोर्ट ब्लेयर तो इस पर यदि आप जाएँ तो आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं बस इस लिंक को क्लिक करें तो आप हमें कहीं भी बैठ किसी भी वक्त हमें हमारे कार्यक्रम के समय देख सकते हैं और इस कार्यक्रम को लेते हुए या जो भी अन्य कार्यक्रम हमारे डी डी के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव इस पते पर दें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर ए आई आर रोड दिलानीपुर हैडो पोस्ट सेवन फोर फोर वन जीरो टू हमारा पिन है ईमेल आईडी है एच ओ पी डी डी के पोर्ट ब्लेयर एट जी मेल डॉट कॉम तो दर्शकों मैं समाप्त इब्राहिम लिंकन के इन शब्दों से करना चाहूँगा मैं धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति हूँ मैं धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति हूँ लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटता चलते रहें मुस्कुराते रहें अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात कहोगी तब तक के लिए धन्यवाद